start today's work, first of all we will mention today's date in left hand side, and today's date is 10th of August 2020, means 1010.08. Peter, 08 here means August, month of August. August is the 8th month of the year, that's why we will mention here 08.2020, means 2020. And just opposite side is right hand side, and here we will mention Likhit Karya. In second line, we will mention today's heading, and today's heading is E ki matra ke shabd. Beta, aaj bhi hum E ki matra ke shabd karenge, lekin aaj hum wo shabd karenge jinke second letter mein E ki matra aati hai. Kaun se letter mein E ki matra aati hai? Second letter mein. Aur kitne words karenge? 12 words. चाबी चाबी. अब बेटे देखो क्या हो रहा है, च में कौन सी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा, और ब में ए की मात्रा. और चाबी किसमें लगती है? ताले में. किसमें लगती है? ताले में. ताला खुलता है ना चाबी से. देखा होगा आपने, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो मम्मा घर पे क्या लगा के जाती है? ताला लगा के जाती है. फिर आके ताला कैसे खोलते हैं? चाबी से खोलते हैं ना. तो चाबी चाबी. माली माली. बेटा माली देखा है आपने? कौन होता है माली? जैसे हम गार्डन में जो पेड़ पौधे लगाते हैं, उन पेड़ पौधों को माली क्या देता है? खाद देता है, पानी देता है, उन पेड़ पौधों की देखभाल करता है. माली माली. रानी रानी. और राजा रानी की कहानी तो आपने सुनी होगी और देखी भी होगी टीवी में, और सुनी भी होगी, दादा दादी सुनाते हैं ना राजा रानी की कहानी, या फिर नाना नानी ने सुनाई होगी. सुनी है आपने राजा रानी की कहानी? नेक्स्ट देखिए बेटा, हाथी हाथी. और हाथी को तो सब जानते हैं, हाथी मतलब एलिफेंट. और हाथी कहाँ रहता है? जंगल में. और हाथी बहुत बड़ा होता है, देखा है ना आपने, बहुत भारी होता है. और हाथी को क्या खाना अच्छा लगता है? गन्ना. नानी नानी. और नानी के घर गए हैं आप? छुट्टियों में जाते हैं ना नानी के घर, बड़ा मजा आता है. वहाँ खेलते भी हैं, बहुत मजे करते हैं, मस्ती करते हैं. लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, कहीं जा नहीं सकते, इसलिए जा ही नहीं पा रहे होंगे आप लोग, है ना. नानी. अब इसमें दोनों ना में क्या हो रहा है? पहले ना में आ की मात्रा आ रही है और दूसरे ना में ई की मात्रा आ रही है. नानी नानी. पा नी पानी. और पानी तो सब जानते हैं, पानी तो जब प्यास लगती है तो पीते हैं ना पानी. नेक्स्ट देखिए, लाठी लाठी. लाठी देखी है आपने? देखिए लाठी, बड़ा सा डंडा होता है, देखा है आपने, जो चौकीदार होता है, चौकीदार के हाथ में देखी है ना लाठी. चौकीदार जब रात को घर की रखवाली करता है तो वो क्या बजाता हुआ जाता है? लाठी बजाता हुआ जाता है, या सीटी बजाता हुआ जाता है, और बोलता हुआ जाता है ना, जागते रहो जागते रहो. थाली थाली. और थाली कहाँ होती है? रसोई में होती है. और थाली में मम्मा क्या डाल के देती है? मम्मी खाना डाल के देती है, खाना परोस के देती है ना थाली में. थाली थाली. नेक्स्ट देखिए बेटा, क ली कली. कली देखिए आपने, और छोटा सा फ्लावर होता है, बिल्कुल जो खिला भी नहीं होता एकदम, बिल्कुल उसको बोलते हैं कली. दही दही. और दही तो खाई है आपने, दूध से बनती है, खाई है ना दही, खट्टी भी होती है कई बार दही, कई बार मीठी दही भी होती है, खाई है आपने, व्हाइट कलर की होती है दही, चीनी डाल के खाते हैं कई लोग, कई लोग उसमें नमक और काली मिर्च डाल के खाते हैं दही में. दही दही. गली गली. अब गली जानते हैं ना आप, जैसे किसी का घर एक गली में है, किसी का दूसरी गली में है, किसी का थर्ड गली में घर आता है, तो गलियां होती है ना, एक गलियों में से निकलता है रास्ता, तो गली गली. लास्ट वर्ड बेटा,
साड़ी साड़ी। और साड़ी भी आप मार्केट जाते हैं तो आपने देखी है दुकानों में, कई दुकानों में साड़ियां टंगी होती हैं, किसी की मम्मी साड़ी पहनती हैं, किसी की मम्मी सूट पहनती हैं, देखा है ना आपने। और मैम भी स्कूल क्या पहन के आती हैं, साड़ी पहन के आती हैं जब मैम स्कूल आती हैं, देखा है ना आपने। मैम साड़ी होती है मैम ने पहनी हुई है ना, तो साड़ी साड़ी। आफ्टर दैट फ्रॉम हियर अगेन वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, देन वी विल मेंशन हेडिंग इन सेकेंड लाइन। हियर वी विल मेंशन हेडिंग श्रुति लेख, और आज भी हम क्या लेंगे, श्रुति लेख लेंगे। आफ्टर हेडिंग फ्रॉम हियर अगेन वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड देन वी विल मेंशन नंबर्स फ्रॉम हियर। From here, we will mention numbers 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 to 5 numbers. और 1 to 5 numbers क्यों mention कर रहे हैं? क्योंकि हम 5 words क्या लेंगे? श्रुति लेख लेंगे। तो चलिए बेटा, अब हम अपना श्रुति लेख स्टार्ट करते हैं। और आज भी हम आ और इ की मात्रा के वर्ड्स का ही श्रुति लेख करेंगे। नंबर 1, पाठ, पाठ। अगेन आई रिपीट, पाठ, पाठ। हियर यू विल राइट नंबर 1 श्रुति लेख वर्ड। नंबर 2, नारा, नारा। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, न और र दोनों में क्या आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। और क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों में हमारा पूरा मुंह खुल रहा है। देखिए अगेन आई रिपीट, ना रा, नारा। बेटा यहाँ नंबर 2 लिखना है श्रुति लेख वर्ड। बेटा नंबर 3, रवि, रवि। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही मैम ने वी बोला क्या हुआ, मैम का जो नेक है वो राइट टू लेफ्ट मूव हुआ, और मूव हुआ तो कौन सी साउंड आ रही थी इसमें, इक की मात्रा की। कौन सी मात्रा की साउंड आ रही थी, इक की मात्रा की। एक बार फिर से देखिए, रवि, रवि। नंबर 3, यू विल राइट नंबर 4। नंबर 4, मती, मती। अब इसमें क्या हुआ बेटा, जब मैम ने म बोला तो दोनों दांतों को मिला के बोला, लेकिन जब मैम ने ती बोला तो क्या हुआ, जैसे ही मैम ने ती बोला, मैम का जो नेक था वो राइट टू लेफ्ट मूव हुआ। और क्यों मूव हुआ, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, इक की मात्रा आ रही है। तो देखिए अगेन आई रिपीट, म ती मती। नाउ बेटा लास्ट वर्ड ऑफ द श्रुति लेख, बी ना, बिना। बी ना, बिना। अब इसमें क्या हुआ, ब में कौन सी मात्रा आ रही है, इक की मात्रा आ रही है। और जैसे ही हमने ना बोला क्या हुआ, ना, ना बोलते ही हमारा पूरा मुंह खुल गया, क्योंकि उसमें कौन सी मात्रा लग रही है, आ की मात्रा लग रही है। ये देखिए, बी ना, बिना। लास्ट श्रुति लेख वर्ड, हियर यू विल राइट। बेटा आपको वर्क बहुत नीटली करना है, बहुत ध्यान से करना है, और श्रुति लेख वर्ड्स पहले बहुत ध्यान से सुनने हैं और फिर करने हैं। ओके किड्स, वन थिंग मोर, नेवर स्टॉप रीडिंग एंड लर्निंग। बेटा हमें रीडिंग और लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए, यानी कि हमें पढ़ना और सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम किसी भी एज के हों, हमें लगातार क्या करना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। किसी भी बुक को, कोई भी बुक हो जाए, हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और जैसे कभी कोई हमें कुछ सिखाता है तो हमें सीखना चाहिए। ये नहीं कि अब हम बड़े हो गए हैं या हम ये बन गए हैं तो हम नहीं सीखेंगे, हमेशा नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।